जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2024 आज मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे कॉन्क्लेव का शुभारंभ। निवेशक कारोबार बढ़ाने के लिए पेश करेंगे प्रस्ताव। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स ले रहे हैं हिस्सा। 4,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने की उम्मीद। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2024 से आज इसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा, तो निवेशक कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करते नजर आएंगे। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 4,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार ऐसा आयोजन देखने को मिल रहा है। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, फिजी, कोस्टारिका के भी निवेशक यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जापान और इंडोनेशिया की कंपनियां भी यहां पर कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। सुबह और दोपहर के दो सत्र में आमंत्रित है इन्वेस्टर्स, और कॉन्क्लेव में ITC, वैद्यनाथ, वॉल्वो, आयशर जैसी कंपनियां शामिल हैं। कॉन्क्लेव में बेस्ट कॉर्प, SRF और दावत जैसे समूह भी शामिल हैं। माइनिंग और एग्रो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेशी निवेशक। इन्वेस्टर्स का एग्रो, डिफेंस और माइनिंग में निवेश पर जोर है। कृषि, खाद्य, डेयरी, प्रसंस्करण, रक्षा, खनन में निवेश पर फोकस देखने को मिल रहा है। खनिज, कपड़ा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश पर जोर देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। उद्योग संघों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि फोकस यहां पर डिफेंस दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। 4,000 करोड़ से अधिक के MOU यहां पर साइन होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, फिजी, कोस्टारिका के भी निवेशक हैं। जापान और इंडोनेशिया की कंपनियां भी कॉन्क्लेव में शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। सुबह और दोपहर के दो सत्र में आमंत्रित हैं इन्वेस्टर्स। कॉन्क्लेव में ITC, वैद्यनाथ, वॉल्वो, आयशर जैसी कंपनियां हैं। बेस्ट कॉर्प, SRF और दावत जैसे समूह भी शामिल हैं। माइनिंग और एग्रो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेशी निवेशक। इन्वेस्टर्स का एग्रो, डिफेंस और माइनिंग में निवेश पर जोर देखने को मिलेगा।